राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा 18 मार्च को किया था। उससे पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई कि परिवार मत छोड़िए, जिद छोड़िए। उसी तरह विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को अभी से लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव तक की तस्वीर दिखा करके एनडीए ने ऑफर दिया। पशुपति पारस जिद पर अड़े रहे और 18 मार्च को सीट बंटवारे से अपना नाम गायब देकर अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दिया। एनडीए से बाहर निकल आए तो पटना के राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव इज्जत बख्शेंगे, लेकिन न तो पारस को कुछ नसीब हुआ और न ही सहनी कोई डील कर सके। एक डील जन अधिकार पार्टी के सर्वेसर्वा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली जाकर कांग्रेस से की तो उसका हश्र भी आज महागठबंधन की पार्टियों में सीट बंटवारों के साथ दिख गया। अब इनका क्या होगा आगे हम आपको पूरा बताते हैं। सब कुछ खोने वालों में जिनका सियासी साख दांव लगा उसमें नंबर वन पर हैं पशुपति पारस, ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। करीब 6 महीने पहले से अमर उजाला ने कई बार ये एंगल आपके सामने लाया कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम तौर पर चिराग पासवान को ही तवज्जो देगी। पशुपति कुमार पारस इस भ्रम में रहे कि जब दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी के दो टुकड़े किए तो भाजपा ने उन्हें तवज्जो दी। वो ये नहीं समझ सके कि तवज्जो नहीं ये मजबूरी थी। तब चिराग पासवान और बिहार में भाजपा की मदद से सीएम बने नीतीश कुमार दुश्मन थे। चिराग को पिछले कुछ महीनों से मिल रही तवज्जो से पारस को सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। चिराग के लिए भाजपा की ओर से हाजीपुर सीट पर हरी झंडी से पारस को समझना चाहिए था और वो नहीं समझे। नतीजा हुआ कि सीट बंटवारे में लोक जनशक्ति पार्टी के नाम की घोषणा के बाद भी पारस नहीं समझे और वो चाहे तो भतीजे पासवान के साथ बैठकर रात भर बात कर सकते हैं। लोजपा के नाम पर घोषित 5 सीटें लोजपा रामविलास के खाते में चली गई और लोजपा का नाम लेकर पशुपति पारस किनारे हो गए। किनारे होने के बाद भी वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देकर के भाजपा के साथ बने रहते तो कुल्हाड़ी पैरों पर रहकर भी काटती नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या कर सकते हैं वह हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने अब तक 5 में से 2 ही 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। पशुपति कुमार पारस सीधे भाभी रीना पासवान के पास पहुंचकर भतीजे चिराग पासवान से अपने लिए सीटें मांगकर एनडीए में बने रह सकते हैं। दूसरा है कि कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से कोई एक सीट बची तो वो उसको मांग सकते हैं। कांग्रेस उन्हें समस्तीपुर से मौका दे सकती है। राजद ने भी खगड़िया में भी प्रत्याशी नहीं दिया है, वो अपने गृह जिले के लिए राजद के पास जा सकते हैं। राजनीतिक अस्तित्व के लिए अपनी पार्टी और प्रत्याशी जुटाकर खुद हाजीपुर में चिराग पासवान से लड़ने के लिए उतर सकते हैं। ये विकल्प हैं पशुपति कुमार पारस के पास। अब सब कुछ जो दांव पर लगा, सियासी साख जिसकी दांव लगी, उस पे दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश सहनी। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी भी इनके सिंबल पर उतारे थे तो जाहिर तौर पर कभी भी एकमुश्त वापस हो सकते थे, वही हुआ। तब सहनी विधान परिषद के रास्ते आए थे। सहनी आराम से रहते तो शायद टिके रह जाते, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो निकल गए। फिर उन्होंने भाजपा से दूरी बना ली। लोकसभा चुनाव से पहले जब महागठबंधन और एनडीए में कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था तब सहनी आगे बढ़कर नहीं आए। और जदयू भी मुकेश सहनी को मंत्री पद दे रही है तो जाति जनगणना में 2.60% आबादी के नाम पर अपने लिए बहुत बड़ी डील करने की स्थिति में नहीं है। वो इस आधार पर डील चाहते थे और यह भी नहीं दिखाना चाह रहे थे कि उनकी कोई ऐसी खास चाह थी। इस चक्कर में एनडीए ने किनारे छोड़ दिया। अब 2019 में इन्हें साथ रखने वाले महागठबंधन ने भी इनके लिए जगह नहीं बनाई। अब ये क्या कर सकते हैं मुकेश सहनी, विकल्प जो है हम आपको बताते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी ने पिछली बार मधुबनी, खगड़िया और मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी दिए थे। सहनी खुद खगड़िया से उतरे थे। मुजफ्फरपुर सीट इस बार कांग्रेस, खगड़िया, सीपीएम और मधुबनी राजद के पास है। राजद से ही अपने लिए कुछ मांग सकते हैं। एनडीए में भाजपा या जदयू से बात कर अपने लिए एक सीट मांग ले। राजनीतिक करियर बचाने के लिए कुछ सीटों पर अपना प्रत्याशी अलग से उतार सकते हैं, ये कर सकते हैं मुकेश सहनी। अब खोने वालों में जिनकी सियासी साख दांव पर लगी उनमें से अंतिम नाम आता है, वो है पप्पू यादव का। बिहार में जन सरोकारों को लेकर के आंदोलन के लिए पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की बनाई जन अधिकार पार्टी चर्चित रहती थी। इस बीच चर्चित पार्टी का पप्पू यादव ने कांग्रेस में जाकर के विलय करा दिया। इस विलय से पहले वो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। उसके बाद पार्टी का विलय करते समय पप्पू यादव ने मान लिया था कि उन्हें कांग्रेस पूर्णिया से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन कांग्रेस की एक नहीं चली। राजद ने जदयू सरकार की पूर्व मंत्री बीमा भारती को पूर्णिया की सीट देने के नाम पर अपनी इस पार्टी की सदस्यता दिलाई और फिर सिंबल भी दे दिया। अब शुक्रवार को पूर्णिया सीट की औपचारिक घोषणा भी हो गई कि राजद के खाते में है। हालांकि पप्पू यादव अब भी यहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद किए जाने की बात कह रहे हैं। अब ये क्या कर सकते हैं पप्पू यादव, कांग्रेस समझौते के तहत पूर्णिया से पप्पू यादव को सिंबल नहीं देगी तो वो निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं। कांग्रेस सिंबल दे दे तो एनडीए राजद के साथ पप्पू भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, अपनी पार्टी को वापस जिंदा करने की औपचारिक घोषणा भी कर सकते हैं, ये विकल्प हैं। लेकिन इन सबके बीच में है कि अगर इनका कोई भी दांव सफल साबित नहीं हुआ तो इनका राजनीति
आर्थिक साख फिर पिछले 5 साल के लिए पीछे चला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से ये कौन सा नाम चलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।